गाइस, आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है, ठीक है? तो फटाफट मुझे बता दीजिए, वीडियो प्रॉपरली दिख रही है, क्लियर है, एकदम बढ़िया, ओके? चलिए सर, फटाफट अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू ambitiousbaba.com, मैं हूँ आपकी करंट अफेयर्स ट्रेनर कीर्ति, और आज हम कवर करेंगे 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर्स में आपको लाइन से बहुत ही डिटेल में कवर कराती हूँ, तो आपको इनको पढ़ना है और इनका रिविजन करना है। हेलो बिपोल, हेलो किरण, हेलो अभिषेक, हेलो निखिल, गुड मॉर्निंग टू ऑल, कैसे हैं आप लोग? हेलो शिवम, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर फटाफट सब सेशन को शेयर कर दीजिए, सब सेशन को लाइक कर दीजिए, बच्चों को बता दीजिए, दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। कल मैंने आपको होमवर्क में दो सवाल दिए थे। पहला तो मैंने आपसे पूछा था, रामायण क्रूज सर्विसेज विच इज इंडिया फर्स्ट लग्जरी क्रूज सर्विसेज हैज बीन लॉन्च ऑन विच रिवर। तो देखिए, रामायण आपको पता है, जो अयोध्या है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू रिवर के, ठीक है? तो यहाँ जो आंसर है वो सरयू ही है, ओके? और दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल वाहना मास्टर क्लास। तो इसके राइटर का नाम है अल्फ्रेडो कैवेली। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो अपने आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की पहली न्यूज देखते हैं। आज की पहली न्यूज है, इन विच स्टेट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 30,000 मेगावाट कैपेसिटी हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ है, उसका आंसर भी सेम होगा। इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। बिल्कुल सही जवाब है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हेलो ज्योति, हेलो आचल, हेलो एडवान, हेलो भवेश, और सही जवाब है गुजरात। तो गुजरात में क्या हुआ है, 30,000 मेगावाट का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ओपन किया गया है, जो रन ऑफ कच्छ एरिया है वहां। तो चलिए अगर थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं, तो जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां हमारे प्रधानमंत्री ने 30,000 मेगावाट कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ओपन किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। इसकी कैपेसिटी मैंने आपको बता दी, 30,000 मेगावाट। अब यहाँ एक सवाल और बनता है, 2030 के लिए भारत का जो टारगेट है वो कितना है, 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी में पहुंचने के लिए। ये सवाल भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, ओके? ओके, कोई बात नहीं बच्चा लोग, मुझे पता है ठंड काफी पड़ रही है, बट एग्जाम है, पढ़ना तो पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पूरा बेसिकली जितने एरिया में ये फैला हुआ है, इसमें कुछ सोलर प्रोजेक्ट है और कुछ विंड प्रोजेक्ट है, ठीक, याद रहेगा। चलिए तो पहला पॉइंट तो आपके सामने ये हो गया, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन विच सिटी आ म्यूजियम ऑन सुभाष चंद्र बोस विल बी इनॉग्रेटेड ऑन हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑन जनवरी 23, 2022। तो आपको मुझे बताना है, 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर किस शहर में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा? हेलो नितिन, तो देखिए पहली बात तो अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली जो मेजर हार्ट ब्रिज था उसका नाम भी जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, और उसी जगह पर यानी कोलकाता शहर में ही अभी क्या हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम भी ओपन किया जाएगा उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पर। अगर सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पूछी जाए तो आंसर होगा 23 जनवरी। गुड मॉर्निंग आकाश, हेलो एवरीवन, हेलो मॉली, ओके? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो यहां तो मैंने आपको डिटेल बता दी, इसी के साथ साथ भारत सरकार जो है वो क्या कर रही है, नेताजी के द्वारा यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो भी किताबें लिखी गई हैं उनको रीप्रिंट कराने की बात कर रही है, और जो दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम है उसमें और ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नए म्यूजियम के बारे में, ओके? बफरिंग नहीं हो रही है नितिन,
मेरे साइड से बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। ओके आइए, विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड 7 MOUs, ये 7 वर्ड याद रख लीजिएगा, एंड एग्रीमेंट रिसेंटली इन डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन सेक्टर, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एटसेट्रा। यानी कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 7 MOUs साइन किए हैं, ठीक है, किस चीज में? हाइड्रोकार्बन सेक्टर, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, म्यूजियम डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारी चीजों पर किया है। और वो देश कौन सा है? वो देश है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। यस, तो बांग्लादेश के साथ भारत ने 7, ये मैं वापस से बोल रही हूँ, एग्जाम में ये 7 भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी हाल ही में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं यानी कि शेख हसीना, इनके बीच मीटिंग हुई और इसी मीटिंग में ये टोटल 7 MOUs साइन किए गए हैं, जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ट्रांस बॉर्डर एलिफेंट कंजर्वेशन, इसके अलावा सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट, गार्बेज, सॉलिड वेस्ट, बहुत सारी फील्ड है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। 7 MOUs याद रखिएगा और हाइड्रोकार्बन याद रखिएगा, ठीक है। दो पॉइंट याद रखिएगा आपके लिए, जो यहाँ मैंने क्वेश्चन में दो वर्ड यूज किए हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग भास्कर, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है चिलहाटी हल्दीबाड़ी, क्या नाम है? चिलहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक इज गोइंग टू रीओपन आफ्टर 1965। दिस लिंक कनेक्ट्स इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री। यानी कि चिलहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक, जिसको 1965 के बाद बंद कर दिया गया था, ये वापस से खुल रहा है, ये हमको किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे वाह, बिल्कुल। तो देखिए, चिलहाटी हल्दीबाड़ी, आपको पता होगा 1965 का जो वॉर हुआ था ना, उस टाइम पर ये जो लिंक थी वो पूरे तरीके से बंद हो गई थी। अब फाइनली इसको वापस से खोला जा रहा है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। तो चिलहाटी हल्दीबाड़ी बांग्लादेश याद रखिएगा, ठीक है, बहुत टाइम बाद इसको वापस से रीओपन किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गुड मॉर्निंग प्रीति, तो आपको जैसा समझ में आ ही गया है, 55 ईयर्स के बाद इसको वापस से ओपन किया जा रहा है। अभी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच में, उसी दौरान इसको ओपन करने की बात की गई। मैत्री एक्सप्रेस, हाँ बिल्कुल। चलिए आइए, अगला सवाल क्या है? यहां से दो सवाल बनेंगे। पहला सवाल है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज साइंड 400 million USD प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट पुअर फ्रॉम कोविड इंपैक्ट अंडर एक्सिलरेटिंग इंडियाज COVID-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत को 400 million USD का लोन दिया है ताकि कोविड से जो गरीब हैं वो उनको दिक्कत ना हो? तो आपसे एग्जाम में ये अमाउंट भी पूछा जा सकता है, तो ये अमाउंट भी दिमाग में बैठा कर रख लीजिए, 400 million USD, ठीक है। मैंने आपको बोला है जनरली भारत को लोन या तो ADB की तरफ से मिलता है या वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिलता है, और यहाँ 400 million USD का लोन वर्ल्ड बैंक ने दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत को 400 million USD का लोन मिला है, जिससे कि कोविड के कारण जो गरीबों को इम्पैक्ट हो रहा है वो ना हो। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए अब मैं फटाफट आपको थोड़ा सा पॉइंट और याद करा देती हूँ। अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने 750 million USD देने की बात की थी भारत को मई 2020 में, इसी एक्सिलरेटिंग इंडियाज COVID-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम के लिए। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन भारत को दिया है? तो देखिए, 250 million का लोन तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर के लिए दिया था, 500 मिलियन का लोन इन्होंने भारत के 6 राज्यों में एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के लिए दिया था, 1950 करोड़ इन्होंने कोविड सिचुएशन से डील करने के लिए वेस्ट बंगाल को दिया था, 400 मिलियन USD इन्होंने कोस्टल रिसोर्स के लिए इंप्रूव करने के लिए भारत को दिया था,
450 मिलियन इन्होंने अटल भूजल योजना के लिए दिया था, 88 मिलियन यूएसडी इन्होंने असम में जो फेरी सेक्टर है ना उसको इंप्रूव करने के लिए दिया था, 210 मिलियन इन्होंने महाराष्ट्र की एग्री बिजनेस और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए दिया था, और 120 मिलियन यूएसडी इन्होंने मेघालय में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए दिया था। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको रिवाइज करने हैं जो 2020 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिए गए हैं। ओके, हिमाचल कोई बात नहीं, एलिफेंट कंजर्वेशन कोटम केरला में है, यस। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ आपके लिए रिवीजन पॉइंट है जो आपको एक बार और रिवाइज कर लेना है। ठीक, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं। नेम द कैटेगरी 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन विच वॉज हिट फीजी रिसेंटली। तो सिंपल सी बात मुझे बताइए, अभी फीजी में एक चक्रवात, एक साइक्लोन आया है, उसका नाम क्या है? थैंक यू हिमांशु, थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसी वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि बाकी बच्चों को भी पता चलता रहे और वो क्लासेस को ज्वाइन करेंगी तो उन्हें अपने आप क्लासेस पसंद आएंगी। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा फीजी, फीजी में अभी हाल ही में एक साइक्लोन आया और उस साइक्लोन का नाम था यासा। क्या नाम था? यासा, ये साचल। ठीक है, तो याद रखिएगा यासा नाम का साइक्लोन अभी कहां आया था? फीजी में। आपको पता है फीजी और इस टाइप की काफी जगहें हैं जहां साइक्लोन बहुत ज्यादा आता है। मैं फटाफट आपको कुछ और साइक्लोन का रिविजन करा देती हूँ, बट उससे पहले देख लीजिए। बेसिकली साइक्लोन निवार, साइक्लोन निवार कहाँ आया था? तमिलनाडु में। स्टॉर्म ईटा ग्वाटामाला में, क्रिस्टोबल लुइसियाना और मिसिसिपी कोस्ट यूएस में, अमांडा एल सल्वाडोर और ग्वाटामाला, निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात, अम्फान वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, महा बेसिकली अरेबियन सी में आया था जो लक्षद्वीप वाला एरिया है, और बुलबुल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में आया था। ठीक है, यस। तो ये रिसेंट के कुछ साइक्लोन है, इनमें से कुछ साइक्लोन भारत में भी आए थे, जैसे कि निवार आया था, निसर्ग आया था, अम्फान आया था, और महा जो वो लक्षद्वीप को क्रॉस करता हुआ गया था। तो जो भारत में आए हैं वो तो इंपॉर्टेंट होने ही होने हैं। निवार का नाम यस ईरान के द्वारा दिया गया था, ठीक है, और अम्फान का नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। साइक्लोन कैसे आते हैं? देखिए क्या होता है, जो समुद्र वाला एरिया है ना वहां बेसिकली प्लेट्स या अंदर जो भी मूवमेंट होती है ना उसके कारण वो साइक्लोन बन जाते हैं, और वहां से वो फिर जो भी आसपास के एरिया जैसे कि अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया या पैसिफिक ओशन हो गया, यहाँ से ये अगल बगल के जो भी देश होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो अफ्रीकन कंट्री है जैसे कि जिम्बाब्वे हो गया, मोजाम्बिक हो गया, यहाँ सब काफी ज्यादा साइक्लोन आते हैं, फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, यहाँ काफी दिक्कत होती है इन देशों को। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। खराब न्यूज है, ऑब्वियसली रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन काफी खराब होती है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 2020 अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 रिलीज बाय यूएनडीपी। यहाँ एक सवाल और बनेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? तो ध्यान रखिएगा इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये सवाल भी एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत 2 पोजीशन नीचे गिर गया है और ये 129th पोजीशन से 131st पे पहुंच गया है। ठीक है, तो 129 से नीचे गिरकर हम 131st पे पहुंच गए हैं, यानी कि हमारे देश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंसानों के विकास पर काम नहीं हो रहा है। करेक्ट आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा और एक पॉइंट ये याद रखिएगा। टॉप पर कौन है उस पर अभी मैं आऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको डिटेल थोड़ा सा दे देती हूँ। तो देखिए मैंने आपको पहला पॉइंट तो समझा ही दिया है। टॉप 5 देखिए, टॉप किया है नॉर्वे ने, फॉलोड बाई आयरलैंड यानी आयरलैंड सेकेंड पर है, स्विट्जरलैंड थर्ड पर है, हांगकॉन्ग फोर्थ पर है और आइसलैंड फिफ्थ पर है। ठीक है, अब मैं अगर आपको कुछ रिसेंट रिपोर्ट या इंडेक्स दिखाऊं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत है 144 पे, जो बहुत खराब है।
इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत है 40th पोजीशन पर, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 84th, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142nd, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 48th, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग 105th, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 116th और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 94th। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो भारत की पोजीशन काफी खराब है, काफी ज्यादा बुरी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको डिटेल बता दी है। भारत आपको याद रखना है 131st पे था, इससे पहले भारत 129th पे था। ठीक, याद रहेगा। तो ये आपके लिए रिवीजन पॉइंट है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे यहां से सवाल आते हैं और आते रहेंगे। ओके, चलिए, तो टोटल कितनी कंट्री थी, 189 कंट्रीज में भारत 131st पे है। तो आप देख सकते हैं हमारी रैंकिंग काफी खराब है। आइए, विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 2020 अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 रिलीज बाई UNDP, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा देश टॉप पर है। अभी मैंने आपको बताया था, ये जो आयरलैंड है ये सेकेंड पर है, स्विट्जरलैंड थर्ड पर है, हांगकॉन्ग फोर्थ पर है और फर्स्ट पर है नॉर्वे। ठीक है, तो नॉर्वे ने इस लिस्ट को टॉप किया। आपको पता है नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, हांगकांग, यही टॉप कंट्रीज हैं जो हमेशा रहती हैं। तो यहां मैं डिटेल पे वापस नहीं जा रही हूँ, डिटेल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आइए अगली खबर देखते हैं। विच सेलिब्रिटी हैज टॉप द 2020 लिस्ट फॉर हाइएस्ट पेड सेलिब्रिटी बाई फोर्ब्स। तो किस सेलिब्रिटी ने फोर्ब्स द्वारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यस गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो देखिए, मुझे नहीं पता आप मुझे कितने लोग इनको पहचानते हैं, बट थोड़े टाइम पहले इनका नाम आया था। ये सुपर मॉडल है, ये एंटरप्रेन्योर है और इनका नाम है काइली जेनर। तो काइली जेनर ने इस लिस्ट को टॉप किया है, ये 2020 की हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज है बाय फोर्ब्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको इसे ध्यान रखनी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो काइली जेनर की जो इस साल की वर्थ है वो है 590 मिलियन USD। सेकेंड नंबर पर अमेरिका के रैपर है केन वेस्ट, उनकी बहुत ही कम है, मतलब इनकी है 170 मिलियन। आप डिफरेंस देखिए, 590 मिलियन और 170 मिलियन। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत डिफरेंस है। थर्ड पर आते हैं टेनिस के स्टार रोजर फेडरर, उसके बाद फोर्थ पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑब्वियसली फुटबॉल, उसके बाद फिफ्थ पर आते हैं लियोनेल मेसी फुटबॉलर, सिक्स पे है टेलर पेरी, इतना आपको याद नहीं रखना है, टॉप फिफ्थ पढ़ लीजिए, बट इंपॉर्टेंट आपके लिए काइली जेनर ही है। थोड़ा जूम कर दूं, जूम वैसे होगा नहीं, बट आप लोग भी फोटो पीडीएफ में एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगी। इससे ज्यादा ये जूम, चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ, अगर आप देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं, ये है काइली जेनर। ओके, चलिए आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है हमारे पास, अगली खबर है हमारे पास, नाना अकुफो अडो हैव बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यानी नाना अकुफो अडो को निम्नलिखित में से किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनाया गया है। नाइजीरिया, घाना, माली, सुडान और सेनेगल। ठीक है, तो नाना अकुफो अडो काफी क्लोज, काफी टाइट इलेक्शन हुआ था और ये दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गए हैं घाना के। कहां के बन गए हैं? घाना के। यस, अभी मैं काइली जेनर पर वापस आती हूँ, फिर हम बात करेंगे, अभी हम यहाँ न्यूज को कवर कर लेते हैं। तो घाना के प्रेसिडेंट नाना अकुफो अडो वापस से दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गए हैं एक टाइट इलेक्शन में।
ओके, बीटिंग लॉन्ग टाइम अपोनेंट जॉन महामा, इन्होंने बहुत ही लंबे टाइम के अपोनेंट जॉन महामा को हराया है, काफी क्लोज कॉम्पिटिशन था। इसी के साथ घाना की जो राजधानी है वो है अकारा और यहाँ मुद्रा चलती है सीडी। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में अफ्रीकन कंट्रीज बहुत पूछी जाती है। नाना घाना बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा 51% और 47% के आसपास वोटिंग मिली है, तो आपके लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, थोड़े टाइम पहले ये भारत में भी एक पोजिशन पर अपॉइंट किए गए थे। बहुत ही बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, यस। तो देखिए, प्रसार भारती के जो चेयरमैन है शशि शेखर वेम्पति, इनको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, तो शशि शेखर वेम्पति प्रसार भारती याद रखिएगा, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन याद रखिएगा, दोनों में से कहीं से भी सवाल आ सकता है क्योंकि इनका नाम न्यूज में आया है। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया, द सीईओ ऑफ प्रसार भारती शशि शेखर वेम्पति हैज बीन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, तो 3 सालों के लिए ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। अगर मैं आपको बताऊं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के बारे में, तो ये 1964 में बना था, इसमें 286 मेंबर्स हैं और इसमें 57 कंट्रीज हैं। बिल्कुल हेडक्वार्टर कुआलालंपुर, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। चलिए आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर है, नेम द कंट्रीज 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च बाय इसरो। यहां से आपसे 3 सवाल बनेगा। सबसे पहले, किस नंबर की कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? 42nd किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो। और आपको मुझे इस संचार उपग्रह या इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम बताना है। ओके आदित्य, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। तो देखिए, इसके नाम में ही ये आंसर दे रहा है। देखिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट 01, इसने अपने आप में ही जवाब दे दिया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट 01, और यही है करेक्ट आंसर। तो मैंने क्या बताया, इंडिया ने अपना 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रह को लॉन्च किया, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, और नाम क्या है? CMS-01। यस, बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं। डिटेल में अगर मैं आपके लिए जाऊंगी तो ध्यान रखिएगा कि इसरो ने 17 दिसंबर को इसे लॉन्च किया है। दिस इज द सेकेंड सैटेलाइट लॉन्च बाय स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका फायदा क्या है? ये एक सी बैंड फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, जिससे क्या होगा, पूरे भारत का मेनलैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, PSLV 50 है, एब्सोल्युटली। आइए अगला सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं 2 सवाल आपसे यहाँ और करने वाली हूँ, उसका आंसर भी आप मुझे कर दीजिएगा। जो क्लास को लाइव देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में करेंगे, जो क्लास को रिकॉर्डेड देखेंगे वो मुझे ये बात आफ्टर क्लास कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, सवाल है, वेयर विल द 2030 एशियन गेम्स बी होस्टेड। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा है 2030 का एशियन गेम, 2034 यानी 2034 का एशियन गेम सऊदी अरेबिया में होना है, 2022 का एशियन गेम्स कहाँ होना है, और 2026 का एशियन गेम्स कहाँ होना है? ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, हेलो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या सवाल पूछा, मैंने आपसे पूछा 2030 एशियन गेम्स होगा दोहा कतर में, 2034 एशियन गेम होगा सऊदी अरेबिया में, 2022 एशियन गेम होगा कहां, चाइना में, और 2026 ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है,
गुड मॉर्निंग बच्चनो, और तो याद रखिएगा 2030 एशियन गेम्स कहाँ होना है, दोहा कतर, और आपको पता ही है कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी होना है। ओके हैंग्स आउट, बिल्कुल। तो मैंने आपको यहाँ डिटेल दे ही दी है, 2030 दोहा, 2034 रियाद सऊदी अरेबिया। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन सेलिब्रेट लोसर फेस्टिवल इन ले ऑन डैश। तो आपसे एक सवाल यहाँ और बनेगा कि लोसर फेस्टिवल जो है ये कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लोसर फेस्टिवल स्पेशली ले लद्दाख रीजन में बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है लोसर फेस्टिवल लेह लद्दाख, ठीक है। और ये अभी कब सेलिब्रेट किया गया, ये मेरा आपसे आंसर है, और इसको 15 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कब किया गया है, 15 दिसंबर को। हिमाचल में सेम लोसर फेस्टिवल है प्रीति, जो लोसर फेस्टिवल हिमाचल में होता है या जो लद्दाख में होता है, जो अरुणाचल में होता है, सब सेम है, ठीक है। तो लोसर फेस्टिवल को अभी हाल ही में 15 दिसंबर को कहां सेलिब्रेट किया गया, लेह लद्दाख वाले रीजन में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब अगर मैं आपको डिटेल में जाऊं तो लोसर फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, लोसर इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर ऑफ बुद्धिस्ट कम्युनिटी, यानी कि जो बौद्धिज्म है, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, उसका न्यू ईयर जो होता है उसके तौर पर लोसर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। लोसर लद्दाख स्टार्टेड एज अ ट्रेडिशन ड्यूरिंग द सुप्रीमेसी ऑफ 9th किंग ऑफ तिब्बत इन अर्ली 17th सेंचुरी, यानी कि एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था जेमेन नमग्याल, डिसाइडेड टू लीड अ वॉर इन विंटर एंड एंडेड अप सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल इन एडवांस। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको बुद्धिस्ट न्यू ईयर के तौर पर मनाया जाता है, इस बार ये फेस्टिवल 15 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। हिंदू कैलेंडर का न्यू ईयर 1 अप्रैल को होता है, यस। स्माइलिंग बुद्धा, कहते हैं कि स्माइलिंग बुद्धा कुछ ऐसा रियल में नहीं है, ये एक कंसेप्शन है जो हम फॉलो करते हैं, और हंसता हुआ चेहरा तो किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आइए अब आते हैं स्टैटिक पे, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो अभी हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में बात किया था, इन्होंने 400 मिलियन USD का लोन भारत को कोविड के लिए दिया है, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के आपको मुझे प्रेसिडेंट बताने हैं, ठीक है। तो आप सबको बताएं, मैं आपको बार बार रिविजन कराती रहती हूँ कि भूल ना जाए, और भूलना नहीं है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर Washington DC में है, और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलास। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, हेडक्वार्टर मैं आपको बता चुकी हूं, मैंने आपको पहले भी बताया है, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का ही हेडक्वार्टर Washington DC में है, यानी कि जो दोनों पैसे वाली ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का मुख्यालय Washington DC में है। हिमांशु जल्दी आ जाएगा, परेशान मत होइए, जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा और आपका रिजल्ट अच्छा भी आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे। ठीक ठीक ठीक, अच्छा DRDO का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। देखिए इसरो का तो मुख्यालय है बैंगलोर में, मैं देख कर आई हूँ, आपको अंदर जाने की जरूरत मिलता नहीं है, बट बाहर से आप देख कर आएंगे बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसरो का मुख्यालय है बैंगलोर में, DRDO का मुख्यालय कहाँ है जरा फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक आंसर करिए, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। सबसे पहले इसरो के बारे में जान लीजिए, इसरो के चेयरमैन है के शिवान, मुख्यालय है बैंगलोर, DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में, और उसके हेड है के सतीश रेड्डी, ठीक। ये हमारे देश की दो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशली स्पेस सेक्टर में, तो आपको इन दोनों के बारे में याद होना चाहिए।
और आज का आखिरी सवाल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिजी? तो अभी मैंने बताया था यासा नाम का साइक्लोन आया है फिजी में, तो जरा मुझे फिजी की राजधानी बता दीजिए। इसरो किसके अंडर में आता है? इसरो हमारे गवर्नमेंट के, इसरो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसरो गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। इसरो की जो फंडिंग होती है वो सरकार ही करती है। बिल्कुल सही जवाब है। हम नहीं, नहीं बहुत दूर है नितिन, और करेक्ट आंसर है सुआ। ठीक है, तो फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी है सुआ। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, बिल्कुल ठीक है। तो फिजी की राजधानी सुआ है और यहां करेंसी क्या चलती है? यहां करेंसी चलती है डॉलर। क्लियर। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की बात हुई तो जरा बता दीजिए कि हमारे देश के मिनिस्टर कौन है। ठीक है, साइंस एंड अर्थ जो हमारे देश की मिनिस्ट्री है उसके मंत्री कौन है? क्लियर। ठीक है, मिलता है, लोगों को जाने के चांसेस मिलते हैं। ऐसा नहीं कि इसरो के अंदर आपको विजिट करने का मौका नहीं मिलता है डीआरडीओ के अंदर, बट बहुत सारी परमिशन होती है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है। मैं डीआरडीओ के हेड ऑफिस तो नहीं गई हूँ, बट जब मैं पुणे में रहती थी तो डीआरडीओ का जो और ऑफिस था एक पुणे में भी है, वो पूरा एरिया काफी ज्यादा सिक्योर होता था। वहां आप अपना मोबाइल तक यूज नहीं कर सकते रोड पर जाते हुए भी। ओके नितिन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो है वो है किसके अंतर्गत? आंसर नहीं मिला। ओके, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है वो प्रकाश जावड़ेकर, जितेंद्र सिंह। अच्छा, ठीक है। साइंस मिनिस्ट्री जो है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन के अंतर्गत। ठीक है, साइंस मिनिस्ट्री, साइंस एंड अर्थ जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन के अंडर आता है। हेल्थ और साइंस दोनों ही डॉक्टर हर्षवर्धन के अंदर आता है। ओके, याद रखिएगा। प्रकाश जावड़ेकर के पास एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है, उनके पास ये नहीं है। क्लियर। चले, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ। आई होप आप क्लास के एंड में किसी भी डाउट के साथ नहीं जा रहे होंगे। जब भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेशन पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करिए, दोस्तों को बोला करिए। मुझे पता है ठंड है, लेकिन एग्जाम में ठंड नहीं देखी जाएगी। एग्जाम में आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए, और आपको उसके लिए सुबह उठना पड़ेगा। बिल्कुल करवाती रहूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेलो रूबी, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। हेलो ध्रेन, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा आप लोग लेट हो गए, सेशन जस्ट एंड पर है। सेशन आप एक बार देखिएगा और मुझे बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। इसी के साथ साथ आप एम्बिशियस बाबा की साइट पर जाकर उनके मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ये मॉक टेस्ट आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अभिषेक, कल है स्टैटिस्टिक की क्लास। स्टैटिस्टिक की क्लास है ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, ये है स्टैटिस्टिक की क्लासेस। चाहे आपको थोड़ी देर में क्लास का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, आने वाले एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।